हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अभी आप देख ही रहे हैं, इसमें हम आपको SWX 1000 जो कि आहूजा का 1000 वाट का सिंगल बेस होता है, इसका अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और साथ ही साथ इसका मैं आपको साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा। इस प्रकार से बेस का लुक है, ये आप देख सकते हैं। आगे हम वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं पहले इनका स्पेसिफिकेशन और इसके लिए कौन से एम्पलीफायर के यूज़ किया गया है साउंड टेस्टिंग में, उसको दिखाऊंगा और साथ ही साथ उसका भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एम्पलीफायर से। तो यहाँ पे एम्पलीफायर यूज़ किया गया है दोस्तों LX-A6000, जो कि आहूजा का एक मोस्ट सेलिंग एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लुक काफ़ी अच्छा है। बैक साइड आप देख सकते हैं, दो फैन होते हैं। इसमें आपको क्रॉसओवर मिल जाएगा, इसलिए आपको इसमें क्रॉसओवर लेने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इस एम्पलीफायर से ही आपका काम बन जाएगा अगर आप सबवूफर मोड का यूज़ करना चाहते हैं तो। और बात करें इसके पावर की, तो आप यहाँ से पावर देख सकते हैं, 8 ओम्स 1300 वाट, 4 ओम्स 2000 वाट, 2 ओम्स 3000 वाट देता है। और यहाँ पे हम ब्रिज मोड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिज मोड में काफ़ी ज़्यादा वाटेज यहाँ पे हम देखने को मिलता है, जिसका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है। तो हम यहाँ पे 4 ओम्स की बात करेंगे, क्योंकि बेस चलेगा। और बात करें बेस की, तो बेस यहाँ पे यूज़ किया गया है आहूजा का SWX 1000, जो कि आहूजा का 1000 वाट का बेस है, जिसका लुक कुछ इस प्रकार से ही आप देख सकते हैं। और इसका डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं, मॉडल नंबर SWX 1000, RMS पावर है 1000 वाट, प्रोग्राम पावर है 2000 वाट, वन वे क्योंकि सिंगल बेस है, 36 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी है। और बात करें वॉइस कॉइल की, तो 5 इंच का इनसाइड आउटसाइड वॉइस कॉइल है, सेंसिटिविटी 99 dB, 8 ओम्स पे काम करता है क्योंकि सिंगल स्पीकर है। वेट इसका देख सकते हैं 53 kg, काफ़ी अच्छा वेट भी इसका है, क्योंकि स्पीकर का ही वेट इसका 20 kg के अप्रॉक्स है। स्पीकर का डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा, इस स्पीकर का यूज़ किया गया है SWX 1000 का ये वाला स्पीकर है, 5 इंच का लार्ज वॉइस कॉइल के साथ में आता है, वॉइस कॉइल टाइप है, CCAW वॉइस कॉइल, कॉपर क्लेट एल्यूमिनियम वॉइस कॉइल बोलते हैं इसे। और दोस्तों, स्पीकर काफ़ी जंपी है, काफ़ी पावरफुल स्पीकर है, 1000 वाट के साथ 5 इंच के वॉइस कॉइल में आता है, तो बेस्ट स्पीकर कहूँगा इसे। और डबल स्पाइडर के साथ आता है, ताकि वॉइस कॉइल का जंपिंग को हैंडल कर सके। और पेपर कोन भी काफ़ी मोटा होता है, इसका डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। 1000 वाट RMS पावर है, 8 ओम्स सेम स्पेसिफिकेशन इसमें भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्पीकर बॉक्स में यही लगा है। और इसका वेट आपको बताना चाहूँगा, ओनली स्पीकर का वेट आप देख सकते हैं, 19.20 इसका वेट है, मतलब 19 किलो काफ़ी वजनदार स्पीकर है इसमें, क्योंकि मैग्नेट का साइज काफ़ी बड़ा होता है, 4 पीस कटिंग वाला होता है, काफ़ी बड़ा मैग्नेट होता है। तो इस कैबिनेट में यही स्पीकर डला होता है जो मैंने आपको दिखाया है। आगे मैं इसका ओपन टेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, जिसमें केवल ओनली स्पीकर का मैंने साउंड टेस्टिंग किया है, तो आप मेरा वीडियो जा करके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। केवल स्पीकर का साउंड टेस्ट किया है मैंने, तो आइए देख लेते हैं पहले इसका अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका साउंड टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, जिसमें LX-A6000 का यूज़ किया गया है। एक जोन पे 2 बॉक्स चलाया जा रहा है, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, इसका साउंड टेस्टिंग हमारे बहुत ही अच्छे मित्र ने सेंड किया है, मैं लास्ट में उनका नाम भी बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसका वीडियो में आपको साउंड टेस्टिंग भी मिल जाएगा। हेडफोन का यूज करना, ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो जो है बेस के काफी करीब रह करके शूट किया गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा आप जानते ही हैं, अगर मोबाइल से आप वीडियो शूट करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है साउंड मोबाइल के माइक की वजह से। तो बने रहे वीडियो में, आइए देखते हैं अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्टिंग। मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है, लेकिन दिलों को छूता है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें।
दोस्तों ये देखा आपने इस सेटअप का साउंड टेस्टिंग, जिसमें SWX 1000 का दो बॉक्स है और इसके लिए एम्पलीफायर यूज किया गया LX6000। इसके रिस्पांस काफी अच्छा है। और दोस्तों इसका साउंड टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग का वीडियो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई असलम ने हमें सेंड किया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में सेटअप का प्राइस बताता ही हूँ, तो चले इसमें भी आपको मैं बॉक्स का और एम्पलीफायर का प्राइस बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्पलीफायर से। तो अपना LX6000 काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, मैं इसके लिए फुल रिकमेंड करता हूँ। और इस एम्पलीफायर का प्राइस 2021 जनवरी में आपको 49,000 रुपये पड़ेगा। आउजर डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। और यहीं हम बात करें बेस के प्राइस का, SWX 1000 का प्राइस जो है अभी 22,000 रुपये है। साथ ही साथ मैं इन दोनों बेस का प्राइस बता देता हूँ। SWX 810 जो कि पेट बॉडी में आता है, और इसका प्राइस आपको अप्रॉक्स इतना ही पड़ेगा SWX 1000 के जितना, मतलब 21,000 से लेकर के 22,000 के आसपास। और SWX 650 जो है इसका प्राइस अभी 17,000 रुपये है एक बॉक्स का। तो इस प्रकार से ये तीनों बेस का मैंने आपको प्राइस बता दिया। और अगर आप ओनली स्पीकर लेना चाहते हैं जो कि SWX 1000 में लगा होता है, जो कि ये वाला स्पीकर है, तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है। लेकिन दोस्तों जब भी आप ये स्पीकर लेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस स्पीकर के लिए जब आप कैबिनेट बनाएंगे तो इसके लिए MTF बोर्ड का यूज़ करना। MTF बोर्ड में इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है, जिसमें आपको सॉलिड बेस मिलेगा, गोल बेस आपको मिलेगा। और इसका प्राइस जो है अभी मार्केट में 15,000 रुपये है, 15,500 रुपये के करीब है। आउजर डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। और दोस्तों जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इनमें से कोई सभी, कहने का मतलब ये SWX 1000 और LX6000, इनमें से कोई सभी एम्पलीफायर या बॉक्स का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल कमेंट करना इसका रिस्पॉन्स कैसा है, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।